ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 5.1 5.1 हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग वेरिएबल x एंड y फ्रॉम एनी फाइव लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बताया यहाँ पे कि x और y को यूज़ करके कोई भी पांच ऐसे इक्वेशन हम लोग को फॉर्म करने जिसमें x और y आना चाहिए। सो x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, x प्लस 3y इक्वल टू 10, 5x माइनस 2y इक्वल टू 1, 4x माइनस 2y इक्वल टू 2, ऐसे कोई भी हम लोग ने पांच इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व नहीं करना है। बस क्या कहा यहाँ पे कि जस्ट ऐसे इक्वेशन बना, तो कोई भी ऐसे इक्वेशन लिख सकते हो जिसमें x और y हो। आंसर जरूरी नहीं कि 6, 3, 10, 1, 2 या कुछ भी नंबर डाल सकते हो। ओके इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल नंबर डालो उसके आगे लिखो x माइनस दूसरा मोबाइल नंबर और y, ऐसे मत लिखो। ओके हो सके तो सिंगुलर नंबर ले लो। उसके बाद है राइट फाइव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो उसके सॉल्यूशन सेट क्या आ सकते हैं। मैंने इंट्रो में तुम लोगों को बताया था कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो 10 के बहुत सारे सॉल्यूशन सेट आ सकते हैं राइट उस इक्वेशन के। सॉरी वैसे x प्लस वाई इक्वल टू 7 के बहुत सारे इक्वेशन आ सकते हैं, लेकिन हम लोग कोई भी तीन लिखने राइट फाइव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई। सो 1 प्लस 6, 2 प्लस 5, 3 प्लस 4, 4 प्लस 3 और 5 प्लस 2। अब तुम बोलोगे सर इसमें फ़र्क क्या है, 3 एंड 4, 4 एंड 3, तो इसमें फ़र्क ये है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3। समझ में आया? वैसे 2 और 5 और 5 और 2 में तो इसमें 1 6 आएगा, 8 1 आएगा, 9 2 आएगा, 10 3 आएगा राइट, ऐसे बहुत से इसके सॉल्यूशन आ सकते हैं, लेकिन हम लोग को लिमिटेड कितने लिखने हैं, पाँच ही लिखने हैं। ओके समझ में? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। ओके x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब ये जो इक्वेशन है सबसे पहले उसको कैसे सॉल्व करना है, देखना है कि सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। ओके स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ओके नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले इसको ऐसे लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इज इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमेशा रोमन में लिखने हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या लिखना है, हमेशा रोमन में लिखने हैं। अब देखो मैंने तुम लोग को एक उसमें रूल बताया था कि एक को एक जो वेरिएबल है उसको मुझे एलिमिनेट करना है, एक वेरिएबल मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। तो एलिमिनेट अगर मैं y या x को करता हूँ तो उनके कोएफिशिएंट भी सेम होने चाहिए राइट। मैंने तुम लोगों को बताया था उसके कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को अगर तुम लोग देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पर ना x के कोएफिशिएंट सेम है ना y के, तो फिर इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ना x के कोएफिशिएंट सेम है ना y के, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सिंपल, मैंने इंट्रोडक्शन में तुम लोग को बताया था दो मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड अनदर इज इक्विटिंग मेथड, इक्विटिंग कोएफिशिएंट मेथड। मतलब क्या कि उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, इक्वेशन को एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को सेम कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे किया मुझे वाई को, हाँ, और नेक्स्ट मैंने बताया था कि कोएफिशिएंट सेम होने के बाद अगर डिफरेंस है तो ऐड करना है, सेम साइन है तो सबट्रैक करना है। और मैंने ये भी कहा था कि डिफरेंट साइन अगर होगा तो सॉल्व करने के लिए इजी होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि y जो है, y के साइन क्या है, डिफरेंस है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं y को ही निकाल दूँ। लेकिन y को निकालने के लिए मुझे इक्वेशन 1 में 5y चाहिए, इक्वेशन 1 में मुझे क्या चाहिए, 5y। इक्वेशन 1 में 5y हो गए तो ही मैं दोनों को एलिमिनेट कर सकता हूँ वरना नहीं, y को एलिमिनेट कर सकता हूँ वरना नहीं। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 जो है इसमें मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 वी गेट। अगर हम लोग ने इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें इक्वेशन नया इक्वेशन मिलेगा, दैट इज 5 इंटू x 5x, 5 इंटू y 5y, 5 4 20,
5 × x, 5x, 5 × y, 5y, 5 × 4 = 20. इक्वेशन नंबर थ्री. अब क्या करें, देखो वन को हम लोग ने थ्री में कन्वर्ट किया है. क्या क्या है, इक्वेशन वन को हम लोग ने इक्वेशन थ्री में कन्वर्ट किया है. अब इक्वेशन टू और थ्री को देखो, 5y, 5y, माइनस प्लस सेम हो गए, कोएफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है. क्या करोगे, वेरी गुड, एडिंग इक्वेशन टू एंड थ्री. वन को क्या करना है, थोड़ा सा टेम्पररी साइड में रखना है क्योंकि उसको हमने कन्वर्ट किया है थ्री में. एडिंग इक्वेशन टू एंड थ्री, 2x - 5y = 1, 5x + 5y = 20. ऐड किया, दोनों प्लस माइनस कट हो गए, 2 + 5 = 7x = 21. क्या आंसर है, 7x = 21. 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ पे डिवाइड हुआ, सो x = 21/7. x = 21/7 and x = 3. Now place x = 3 in equation 1. x = 3 इक्वेशन वन में हमने प्लेस किया क्योंकि हम लोग को y भी फाइंड करना है. हाँ देखो, अभी एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिलने के बाद तुम इक्वेशन 1, 2, 3 किसी में भी उसकी वैल्यू रख सकते हो. प्लेस x = 3 इन इक्वेशन 1, x + y = 4, 3 + y = 4, बिकॉज x = 3 है तो 3 + y = 4 एंड देयरफॉर y = 4. 3 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो गया, y = 4 - 3 एंड y = 1. सॉल्यूशन सेट, मैंने कहा था कि सॉल्यूशन सेट लिखते समय पहले x की वैल्यू होगी और बाद में y की, तो x = 3 एंड y = 1. दैट इज सॉल्यूशन इक्वेशन, सॉल्यूशन सेट फॉर टू इक्वेशन. ये जो दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें क्या सॉल्यूशन सेट मिला, 3 and 1. मतलब उसमें x की वैल्यू कितनी है, 3, और उसकी कितनी है, 1. देखो वेरीफाई करो, 3 × 6, 5 × 5, 6 - 5 = 1. समझ में है ना, मतलब हमारे सॉल्यूशन वो क्या है, राइट है. तो ऐसे हम लोग इसको ना x और y की वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करके तुम लोग वेरीफाई भी कर सकते हो. एग्जाम में तुम लोग को नहीं करना है, करना तो कई बार भी, लेकिन अगर आंसर राइट है कि रॉन्ग है, अगर एक बार चेक करें तो वेरीफाई कर सकते हैं. तो इस तरह से ये सब हम लोग ने सॉल्व किया यहाँ पे. ओके.